अच्छे से धोके और उनको छील लेंगे। बड़े बड़े पीसेस में आलू को कट कर लेंगे, थोड़ा सा नमक ऐड करके और पानी में भिगो के 10 मिनट के लिए रख देंगे। आलू को पानी में से निकाल के अच्छे से कपड़े से पोंछ लेंगे, उनमें बिल्कुल भी पानी नहीं रहे। कढ़ाई में तेल गर्म हो रहा है, उसमें ये आलू के पीसेस डाल देंगे। डीप फ्राई करेंगे इनको। जब आलू गोल्डन ब्राउन हो जाए तो उनको आप निकाल लीजिए। अब आप इसे किसी चीज से थोड़ा सा प्रेशर देके और फोड़ लें। सारे आलू को आप इस तरीके से फोड़ लें, तब उसको वापस उसी ऑयल में एक बार और फ्राई करेंगे। 2 मिनट पकाने के बाद निकाल लेंगे। बाउल में डाल के उसमें आधा चम्मच पिसा हुआ जीरा और आधा चम्मच चाट मसाला ऐड करेंगे। अब उसमें थोड़ा नमक, काला नमक और साथ ही थोड़ी सी मिर्ची ऐड करेंगे और उनको मिक्स करेंगे। अब आप प्लेट के अंदर फ्राई किए हुए आलू रखिए और साथ ही में आप प्लेट के पहले से दही रख दें। इस दही को आलू के ऊपर डालेंगे। साथ में उसके ऊपर इमली की चटनी, मेरे पास बनी भी अवेलेबल है, आप अपने हिसाब से देख लीजिए। साथ में मैंने प्याज डाले हैं ऊपर से, अनार के दाने डाले हैं और हरा धनिया डाला है। साथ में थोड़ा सा चाट मसाला ऐड किया है, थोड़ा सा काला नमक, वही थोड़ी सी मिर्ची और थोड़ा सा मैंने इसके ऊपर जीरा पाउडर डाला है।